सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है एक बार फिर मिनिमलिस्टिक सफ़र में। मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। उनको जैसे आप सबने अरुण को फॉलो करते हुए देखा होगा, उनके बैक में चोट लगी है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं देखा है तो वो क्लिप आप इधर देख सकते हो, ठीक है? और गाइस, आइए जानते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था जब मुझे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में चोट लगी थी और मैंने कैसे उसको ओवरकम किया। और गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग और मेंस हेल्थ से रिलेटेड सारे टिप और ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और वो घंटा भी बजा देना ताकि आपको वीडियो टाइमली मिल सके। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो समवेयर एट जैसे उन्होंने बताया था कि वो 80 kg के आसपास स्क्वाट कर रहे थे, ठीक है? और जिसकी वजह से उनको बैक में प्रॉब्लम हुई थी। और उनके लिए तो 80 kg कोई भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। वो जैसा उन्होंने बोला था कि वो 180 तक जाते हैं मैक्स, ठीक है? तो क्या रीज़न था कि उनको चोट लगी? गाइज, कैसे आप वैसी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हो? तो गाइज, पहला पॉइंट ये है कि कैसे इंजरी प्रिवेंट करनी है। गाइज, अगर आप सो के सुबह उठते हो और आपकी बैक में थोड़ी सी भी अकड़न या फिर स्टिफनेस है तो प्लीज़ उस दिन वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ट्रेन मत करो। खासकर मैं बैक की बात कर रहा हूँ, तो आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट या मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट को आपको अवॉइड करना है, ठीक है? बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, आज मेरा पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाएगा, मैं अगले हफ्ते क्या करूँगा, ये वो आपके दिमाग में चल रहा है, तो प्लीज़ लाइट वेट से करो। मेक श्योर कि आपके आसपास एक स्पॉटर हो, ठीक है, जो आपको अगर आपका वेट थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है तो आपको स्पॉट कर सके, आपकी हेल्प कर सके। उसके अलावा फ्लोर, मेक श्योर कि फ्लोर आपका जो है फ्लोर हार्ड सरफेस होना चाहिए, जो रबड़ की मैटिंग है थोड़ी कम होनी चाहिए। और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि अच्छे जूते में इन्वेस्ट करो। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, स्नीकर्स में या फिर फर्स्ट कॉपी खरीद लेके यूज़ करते हैं। गाइज, क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग? आप अपने हेल्थ को डेंजर में डाल रहे हो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और गाइज, सेकेंड पॉइंट है कि लेट्स से अगर आपको चोट लगी है तो उसके बाद क्या करना है। गाइज, अगर आपको चोट लग गई है तो प्लीज़, लेट्स से अगर आप स्क्वाट कर रहे थे, ठीक है, आपको चोट लगी है, थोड़ा सा भी पेन बैक में हुआ, तो वो सेट वहीं पे छोड़ना है। ये नहीं कि नहीं यार थोड़ी सी चोट है मुझे कंप्लीट करना है। गाइज, ये बहुत बड़ी इंजरी बाद में हो सकती है और हो सकता है कि आप लाइफ में दोबारा कभी चल फिर भी ना पाओ, तो ये इस लेवल की डेंजरस होती है, ठीक है? आपको सेट वहीं पर छोड़ना है और इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के पी सकते हो सेम टाइम पे, या फिर जाओ कहीं बैठो पानी लेके पियो, इससे अपनी मसल्स को आप हाइड्रेट कर रहे हो, ठीक है, और आपको भी अच्छा फील होगा। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ सेम डे डॉक्टर को विजिट करो, सेम डे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करो। और प्रॉब्लम नॉर्मल है तो मसल रिलैक्सर ले सकते हो, मैंने कुछ मसल रिलैक्सर के इस तरफ नाम दिए हुए हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और अगर सुबह उठने के बाद भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अपने चिरोप्रैक्टर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ और उसको अपनी प्रॉब्लम बताओ और उससे बोलो कि सर एक बार इसको हम डायग्नोज कर लें, लेट्स से एक्सरे करना है या कुछ और सीटी स्कैन जैसा कुछ करना है, ठीक है, तो हम उसको करके देख सकते हैं क्या कि हमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और उसके आपको सारे सेशन अटेंड करने हैं। कई बार क्या होता है कि एक सेशन दो सेशन में बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है और हम उसको उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और फिर हमको प्रॉब्लम दोबारा से होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमने सारे सेशन कंप्लीट नहीं किए थे और चोट हमारे कमर में अभी भी है। और गाइस, ये चोट बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है लुम्बर बोन में कुछ दिक्कत होना और एक होती है मसल स्पैजम या एक्यूट पेन। पहले लुम्बर बोन के बारे में बात करते हैं। गाइस, ये वर्टिब्रा की सेकंड नंबर की बोन है, ठीक है, इसके बेसिकली 5 सीरीज होती है, L1 से लेकर L5 तक। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इस बोन के बीच में डॉट्स हैं। डॉट्स क्या बेसिकली क्या होती हैं कि आपकी बोन के अंदर डिस्क होती हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी खराब पोस्चर की वजह से वो क्या कहते हैं, वो डिस्क बाहर निकल जाती हैं जिससे हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है हम कभी भी दोबारा लाइफ में वेट लिफ्टिंग या जमीन से इवन एक बाल्टी के पानी भी ना उठा सकें। तो ये चोट इस लेवल तक की डेंजरस होती है, तो आप प्लीज़ सारे प्रिकॉशन को अच्छे से फॉलो करो। और लेट्स से अगर आपके मसल स्पैजम हुआ है, मसल स्पैजम बेसिकली होता क्या है गाइस, मसल स्पैजम क्या होता है कि मसल जब ड्राई हो जाती है, मसल्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, फिर मल्टीपल टाइम लेट्स से हम हफ्ते में 3 से 4 बार हम डेडलिफ्ट स्क्वाट कर रहे हैं तो क्या होती है, मसल्स वहाँ पर ड्राई हो जाती है स्टिफनेस की वजह से, ठीक है, और इसकी वजह से ये एक्यूट प्रॉब्लम या फिर मसल स्पैजम वाला पेन हो सकता है। ये गाइस, ये पेन भी बहुत तीक्ष्ण लगता है, कोई स्विच होता है, इस लेवल का पेन होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। वाला होता है तो लाइफ में आप कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर सेकंड वाला है तो फिर भी 5 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपका, ठीक है। सो गाइज, थर्ड चीज़ है कि लेट्स से आप इंजरी से रिकवर हो चुके हो तो आपको उसके बाद क्या करना है। गाइज, आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने तक आपको ये मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करने हैं क्योंकि वो आप दोबारा से उस बैक को दोबारा इंगेज कर सकते हो और दोबारा प्रॉब्लम में डाल सकते हो। अगर करना है तो लेट के आप हल्का सा कमर को ट्विस्ट करो, मूव करो, लेग रेज करो, इससे क्या हो सकता है कि आप दोबारा से
उस मसल्स को या हैम्स को या ग्लूट्स को आप मैच्योर करोगे, ठीक है, और बाद में 6-7 महीने बाद दोबारा आप हल्के वेट से स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज इसके बाद प्रिकॉशंस क्या लेना है कि आप एक अच्छे से कप में इन्वेस्ट करो, जो कपिंग थेरेपी जनरली फेमस है, ठीक है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछो सर कौन कौन से पार्ट्स है, कहाँ कहाँ मुझे लगाना है, मैं अपना घर पर लगाऊंगा, और वो आपको स्पॉट बताएगा, आप वहाँ पर लगाओ। उसके अलावा एक डॉल्फिन मसाजर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये 500 से 600 तक आएगा, ठीक है, और ये आप खुद से अपने बैक पे मूव करके कर सकते हो, ठीक है। और आपको इस चीज़ को मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, और ये आपके मसल्स को रिलीज करेगा और रिलैक्सेशन देगा, ठीक है, और आपको पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम फील होगा। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक और ट्रिप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।